मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा खेल मंत्री और हमारा सहयोगी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है निशित जी और अनुराग जी को। सर एक कहावत है, जो कुछ भी आगे बढ़े उसके लिए एक स्लोगान चाहिए। जैसे हमारा नरेंद्र मोदी जी पब्लिक का सामने खेलो इंडिया, ये जो बात है, ये जो संकल्प है, ये संकल्प बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ प्लेयर्स को संजोग करने के लिए, प्लेयर्स को सहयोग करने के लिए असिस्टेंट्स टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का काम किया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दे रहे हैं, पेंशन टू मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं और रनिंग स्पोर्ट्स टू सेंट्रल बाय थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इतने सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ पहली बार इंडियन ओलंपिक्स का पीटी उषा को प्रदान किया है। उसके साथ साथ आप देखिए हमारा जितने आंकड़े आप देखेंगे, ओलंपिक गेम्स बोलिए, एशियन गेम्स बोलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स बोलिए, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये हम लोग मानती हूं जो एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है। प्रधानमंत्री का जी का सोच जो है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी का जो सोच है, ये सोच है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे कुछ सुझाव है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जाती है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज युवा ऑफिस होते हैं, लेकिन युवा ऑफिस का क्या काम होते हैं हम लोग कुछ नहीं जानते। मैंने देखा हूं वेस्ट बंगाल में एक कोच भी है, हमारा निशित जी का जो स्टेडियम देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार किया, फंड भी दे दिया, लेकिन उसका जमीन नहीं मिला, 500 करोड़ रुपया फिर बैक आने के लिए कोशिश है, फिर रेलवे मंत्रक वो जमीन दिया। तो ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइका, हर पंचायत लेवल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लॉक लेवल पे या सब डिविजन लेवल पे एक क्रीड़ा संस्था रखेंगे, साई का ट्रेनिंग कैंप रखेंगे तो बहुत अच्छे होगा। देखिए हम लोग सब बोलते हैं एससी एसटी का काम करेंगे, लेकिन कभी हम लोग हर जगह में चुनाव करती है, पॉपुलेशन कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कभी भी मैं अनुराग जी को बोलेंगे जे कम से कम प्लेयर्स कितना है, कितना एथलेटिक्स है, कम से कम काउंटिंग होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स है वो कम से कम नाम लिख के रखे जे ए माध्यमिक लेवल पे अच्छे किया है, ए कॉलेज लेवल पे अच्छे किया है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको चुन नहीं करेंगे तो उसको अच्छे नहीं आगे होगा। तो मेरा सुझाव है जो जितने सारे, जैसे फुटबॉल का कोल्लन चौबे जी को दिया है बहुत अच्छे किया है, पीटी उषा को दिया है बहुत अच्छे हुआ है, तो ऐसे कबड्डी लॉन्ग जंप हाई जंप और बहुत सारे जो खेला है इसको भी साथ साथ लेके जाना है। इसलिए गांव में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हम लोग स्टेडियम देखा है सिर्फ सौरांचल में देख रहा हूं। हमारा भी विनती है जब हमारा बिष्णुपुर सब डिविजनल स्पोर्ट्स जो हमारा एसोसिएशन है उसको कम से कम एक स्टेडियम है उसको मदद करना चाहिए। तो उसी टाइप सब डिविजन में जितना आप मदद करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं अनुराग जी को बधाई देंगे जो महिला क्रिकेट टीम को, मैं सुन रहा था कार्तिक चिदम्बरम जी ने बोल रहा था कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, हम बोल रहे महिलाओं को ये पहली बार जो क्रिकेट जो जेंट्स को मिलेगा वो महिलाओं भी उतना पैसा मिलेगा, वो इक्वल कर दिया, ये कोई भी डिसीजन नहीं लिया। मेरा एक मिनट बात है, मेरा डिमांड है जो हमारा एक विष्णुपुर का अंदर एक एरोड्रम है जो ब्रिटिश का टाइम पे, मेरा मंत्री जी से मांग है जो वहां से कम से कम स्टेडियम बनाए और अग्निवीर का जितने सारे लड़के आएंगे मेरा भी उधर से स्पोर्ट्स के साथ जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। मेरा यही मिनते है, मेरा भी एक स्टेडियम भी बना दीजिए और आगे बढ़े खेलो इंडिया, हम लोग सब खेलेंगे।